हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बारकोड। हम सिकैट पर सीरीज कर रहे हैं, जहां पर हम आज सी और सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्जन वाज सी वाज इन्वेंटेड बाय डेनिस रिची। सी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसमें कुछ पढ़ने जैसा है नहीं। बस ये याद रखना कि सी जो है वो जनरल पर्पस के लिए यूज हुई थी, लेकिन वो पॉपुलर जो है वो एम्बेडेड सिस्टम, मतलब वो माइक्रो कंट्रोलर वगैरह को प्रोग्राम करने में ज्यादा यूजफुल होने लगी। सर्टन फैमिली ऑफ माइक्रो कंट्रोलर कस्टमाइज सी, और उन्होंने खुद के कीवर्ड्स डाले सी में जो वो यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग की हो तो उसमें एम्बेडेड सी होता है। वो नॉर्मल सी लैंग्वेज ही है, लेकिन उसमें अगर आप कीवर्ड देखो तो थोड़े अलग है सिंटेक्स वगैरह, तो जिस वजह से सी मतलब वो माइक्रो कंट्रोलर के फैमिली में ज्यादा पॉपुलर है। उसके बाद अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन देखोगे तो मेनली तीन सेक्शंस में डिवाइड है, लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल। लो लेवल के बारे में इतना कहूंगा, अपने लो लेवल लैंग्वेज देख रखी है, लो लेवल लैंग्वेज आपने देख रखी है वो हैकर वाली मूवीज नहीं होती जिनमें वो सब काली काली स्क्रीन होती है और सब वो नंबर ऊपर नीचे जा रहे होते हैं, तो बाइनरी लैंग्वेज मतलब होती है लो लेवल लैंग्वेज। अब कुछ कुछ कंप्यूटर हेक्साडेसिमल भी यूज करते हैं, मतलब कंप्यूटर को हमारे जैसे लेटर्स वगैरह समझ में आते हैं, उसको समझ में आते हैं सिर्फ नंबर्स। तो हम जो भी टाइप करेंगे लो लेवल लैंग्वेज में नंबर के साथ ही टाइप करेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ माइक्रो कंट्रोलर ऐसे होते हैं जिनमें हमें डायरेक्ट नंबर का ही यूज करना पड़ता है टाइप वगैरह करने के लिए। ओके, तो वो होती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में एक और टाइप होता है जो कि है असेंबली लैंग्वेज। ओके, अब असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल ही लैंग्वेज है, लेकिन वो है कि सिर्फ वो थोड़ी सी रीडेबल है। मतलब अगर आपको बहुत सारे नंबर दे दिए मशीन लेवल लैंग्वेज के, तो जिसको कुछ उसके बारे में पता नहीं उसको समझेगा ही नहीं कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में कम से कम अगर आप पढ़ोगे तो आप उसका बेसिक अंदाजा लगा सकते हो कि क्या है। लेकिन असेंबली लेवल लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज की तरह कंप्यूटर में डायरेक्ट फीड नहीं की जा सकती, तो उस असेंबली कोड को मशीन कोड में या फिर लो लेवल कोड में, उसको ही मशीन कोड बोलते हैं जो कंप्यूटर यूज करता है, उसमें कन्वर्ट किया जाता है, और उसके लिए जिस चीज का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं असेंबलर। हमारे पास तीन चीजें होती है, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है असेंबलर। नाम की ही तरह असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज होता है, कंपाइलर का यूज और इंटरप्रेटर का यूज हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए होता है। इंटरप्रेटर का यूज मेनली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए होता है, जैसे कि पाइथन हो गई, हैश हो गई। ठीक है, मतलब जहां पर लाइन बाय लाइन कोड लिखना पड़ता है, मतलब जहां पर एक एक लाइन का कोड एक टाइम पर रन होता है, वहीं पर आप कंपाइलर को देखेंगे तो कंपाइलर का क्या सीन है कि वो पूरा का पूरा कोड एक साथ ले लेता है, फिर उसको रन करता है, और फिर उसका जो फाइनल आउटपुट है मतलब उसमें जितने भी एरर है वो सब देता है। तो अगर आपको इंटरप्रेटर और कंपाइलर का डिफरेंस पता नहीं चला है, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने कभी पाइथन प्रोग्रामिंग पर काम किया होगा तो लेट से अगर आप फॉर एग्जाम्पल ओके, तो अगर आपने सी में एक लाइन लिखी कोड की और अगर आपने उसको रन करने की कोशिश की तो वो रन ही नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि क्यों? क्योंकि जो सी है वो कंपाइलर का इस्तेमाल करता है, उसे पूरा का पूरा कोड चाहिए चेक करने के लिए कोड सही है या नहीं। लेकिन अगर वहीं पर आप पाइथन में जाए और अगर आपने एक लाइन लिख दी और अगर उसको रन किया, वो रन होगा, वो चेक करेगा कि आपने बराबर लिखा है या नहीं। अगर आपने कुछ गलत लिखा होगा तो आपको वही बता देगा कि भाई तूने ये गलत लिखा है, इसके आगे कोड तेरा रन होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन वहीं पर सी वाला जो है वो आपको कभी मतलब वो कोड रन ही नहीं होगा, वो हमेशा आपको एरर देगा, मतलब कुछ ना कुछ सिंटेक्स गलत है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो वहां पर इंटरप्रेटर और कंपाइलर में ये डिफरेंस होता है, कंपाइलर पूरा का पूरा कोड एक साथ ले लेता है और इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन लेता है। इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, तो वहीं पर कंपाइलर पूरे के पूरे कोड को एक साथ मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गई लो लेवल मशीन लैंग्वेज। अब लो लेवल मशीन लैंग्वेज कहाँ पर यूज होती है? माइक्रो कंट्रोलर, वो जो भी एम्बेडेड सिस्टम के जो भी प्रोग्रामिंग होती है वहां पर ये यूज होती है। उसके बाद आती है हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो यूजर के साइड पर होती है, लो लेवल लैंग्वेज मशीन के साइड पर होती है, मतलब नंबर्स वगैरह सब। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो यूजर के साइड पर होती है कि यूजर सोचे, उसे ट्रांसलेट कर सके। ठीक है, तो वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली होती है। अब अगर आप कोई भी लैंग्वेज को उठा लोगे तो 99% चांस है कि आप जो भी लैंग्वेज जानते हो वो हाई लेवल लैंग्वेज है, एक्सेप्ट सी।
सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। अगर कहीं कभी कहीं पर क्वेश्चन आ गया कि सी कौन सी लेवल लैंग्वेज है, तो सी जो है वो मीडियम लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो द लैंग्वेज हैव बीन डिजाइन गिव बेटर एफिशिएंसी, इजियर प्रोग्राम डेवलपमेंट, द लैंग्वेज आर इजियर टू लर्न, ऑल्सो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन आर्किटेक्चर, बेसिक विजुअल, बेसिक फोर्ट्रन आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। यहाँ पर उनको क्या कहना है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, मतलब लेट से अगर आप जावा को कोड कर रहे हो तो आप एंड्रॉयड के लिए भी सेम कर, मतलब आपको कुछ अगर इंप्लीमेंट करना है तो आप एंड्रॉयड के लिए भी सेम कोड लिखो। मतलब अगर आपको प्रिंट करना है हेलो, तो आप एंड्रॉयड मतलब जावा का है वहां पर सेम कोड लिखो, मतलब उसका सिंटेक्स यूज करके। अगर वहीं पर आप जावा में कोड लिख रहे हो एक एप्पल डिवाइस के लिए, तो वहां पर भी आप सेम स्निपेट यूज कर सकते हो। ऑल्दो दोनों मशीन्स फिजिकली बहुत अलग है, लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, लेट से एक माइक्रो कंट्रोलर के लिए अगर एक सिंटेक्स फिक्स है, तो दूसरे माइक्रो कंट्रोलर के लिए वो बहुत ही ज्यादा अलग होता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है अगर मेनली वो दोनों अलग अलग फैमिली से, या फिर उन दोनों के इन्वेंटर अलग अलग है, तो फिर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड मस्ट बी कन्वर्टेड टू मशीन लेवल कोड इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट देम। अब हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो अपने आप पूरा का पूरा रन नहीं होगा, उसको पहले मशीन लेवल में कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब उसको पहले बाइनरी या फिर हेक्सा, उस हमने जो कोड लिखा है उसको पहले बाइनरी या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा यूजिंग कंपाइलर और इन सिंथेसिस इंटरप्रेटर, और उसके बाद ये कोड को एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो बिकॉज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, तो इसमें इतना ही। मैं इसके लिए कुछ 5-6 क्वेश्चन है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, क्योंकि इट्स जस्ट हिस्ट्री, और शायद इस पर का कोई क्वेश्चन आने भी नहीं आला, इसलिए मैंने ये 5 मिनट में रैप अप कर दिया। या इसके ऊपर 5-6 कुछ क्वेश्चन है, मैं वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, आप वहां पर जाकर देख लीजिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और अगले लेक्चर से हम प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर देंगे, ठीक है। मतलब वो सी के जो भी बेसिक बेसिक रूल्स या फिर सिंटेक्स वगैरह होते हैं, वह उसकी हम शुरुआत कर देंगे। थैंक यू, गुड बाय, एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर न्यूएस्ट अपडेट। बाय।